वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ देर पहले बीपी गंगा से बात करते हुए भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, सत्य को दबाएंगे तो जनता जवाब देगी। रॉबर्ट वाड्रा का कहना है, कुछ देर पहले बीपी गंगा ने उनसे बात की थी जिसमें उनका कहना है एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, सच को अगर दबाने की कोशिश होगी तो जनता भी जवाब देगी। बहनों, रॉबर्ट वाड्रा जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है बीपी गंगा में। सर पहला सवाल ये है कि राहुल गांधी के साथ पूछताछ चल रही है, क्या आपने भी कोई बातचीत की थी पूछताछ से पहले राहुल गांधी के साथ? हमारे परिवार में हर रोज़ कुछ ना कुछ, हर समय कुछ ना कुछ होता रहता है, तो ज़रूर हम लोग हर चीज़ की बात करते हैं, जिक्र करते हैं कि क्या अनुभव रहा। और क्योंकि मैं ऑलरेडी ईडी में पहले जा चुका हूं और मतलब 15 बारी वहाँ रह चुका हूं और 10-10 घंटे बैठा हूं, तो ज़रूर हमने बातचीत की है। पर मुझे जैसे मैं बोलूँगा कि राहुल बहुत समझदार लीडर हैं और उनको टोटल अंडरस्टैंडिंग है कि आजकल क्या हो रहा है और किस तरीके से ये इसको जो सवाल जवाब हैं जो देने हैं बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना दे देंगे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर अपना एक्सपीरियंस देते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। तो क्या जब राहुल गांधी से आज पूछताछ के लिए जा रहे थे तो क्या अपनी ओर से भी आपने कोई सजेशन दिया कि किस तरीके से ईडी के सवालों का जवाब देना है? मैंने बस यही बोला कि अपना शांतिपूर्वक वहाँ बैठें, अपना हर चीज़ पढ़ें अच्छी तरह और ज़रूर जवाब दें। पर मैंने ये भी बोला कि उनको हमेशा वही लगेगा कि नॉन कॉरपोरेशन उनका यही सवाल है, चाहे मैं 15 बारी गया हूँ, 10-10 घंटे बैठा हूँ, पर वो कहते हैं नॉन कॉरपोरेशन, उन्होंने जवाब ठीक से नहीं दिया, ऐसे नहीं दिया, वैसे नहीं दिया। मैं ये तो चलेगा, पर आप अपने मुकाम पर मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है हर सवाल का अच्छी तरह पढ़ के वो जवाब दीजिए। सर अगर बात करें तो पहले आप जा चुके हैं ईडी की पूछताछ के लिए, आज राहुल गांधी पहुंचे हैं, आपकी मदर इन लॉ सोनिया गांधी को भी 23 तारीख को समन किया गया है ईडी के सामने, तो एक एक करके गांधी परिवार के तमाम सदस्य अलग अलग मामलों में ईडी के सामने पेश हो रहे हैं। देखिए, उनको बीजेपी को या तो कोई परेशानी है या डर है इस परिवार से हमेशा, तो कुछ ना कुछ ये लोग मुद्दा बना के आगे सामने लाते हैं और हर चीज़ का जो समय इस्तेमाल करते हैं तभी इनका लिंक लगता है, बीजेपी और ईडी का लिंक है। क्योंकि जब मुझे पहले यहाँ रेड किया गया मेरे ऑफिस को तो राजस्थान में इलेक्शन थे, और उसके बाद जब मेरे को बुलाया गया तब 2019 में जनरल इलेक्शन थे, तो जो माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं वो है कि कोई बुरी नज़र से देखे, पर लोगों को सब समझ है। क्योंकि जब अगर बीजेपी के जो नेता हैं अगर वो भेदभाव की बात करके और माहौल ख़राब करते हैं पूरे देश में, तो उसको छुपाने के लिए बीजेपी कुछ ना कुछ तरीका अपनाएगी कि ईडी का समन हो जाए या किस तरीके से उनका इंटरोगेशन हो जाए कि पूरा फोकस बदल के राहुल पे आए या मतलब गांधी परिवार पे आए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।